नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संविदा पर बहाल हुए स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में हुई वृद्धि। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार का ये जिला रहा सबसे गरीब। बिहार के इन 15 विश्वविद्यालयों को UGC ने डिफॉल्टर किया घोषित। के पाठक के पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा विभाग के कार्यों में आई तेजी। शिक्षकों को अकारण परेशान किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने BSEB पर लगाया जुर्माना। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। संविदा पर बहाल हुए स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में हुई वृद्धि। संविदा पर बिहार में बहाल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार ने चुनाव से पहले 10-25% कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वृद्धि की है। आपको बता दें कि विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह द्वारा इस बात की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि शासी निकाय की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद इसका लाभ प्रदेश में मौजूद 8,000 ANM और अन्य पदों पर मौजूद 17,000 कर्मियों को मिलने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक 25% तक की बढ़ोतरी उन कर्मियों के मानदेय में हुई है जिनका मानदेय पहले से कम था। वहीं 10% तक की बढ़ोतरी उनके मानदेय में हुई है जिनका मानदेय पहले से अधिक था। के पाठक के पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा विभाग के कार्यों में आई तेजी। के पाठक अब अपने पद पर वापस लौट चुके हैं। बीते दिन शाम 5:30 बजे उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वे अपने पद ग्रहण कर चुके हैं। के पाठक के जाने के बाद शिक्षा विभाग के कई कार्य धीमे पड़ गए थे। नव नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में 15 जनवरी को ही अलॉटमेंट दिया जाना था, लेकिन अभी तक ये काम पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन पद ग्रहण करते ही के पाठक ने फटाफट कई फाइलों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी आए। साथ ही अब नव नियुक्त शिक्षक भी के पाठक के आने के बाद उम्मीद में है कि अब उन्हें जल्द ही अलॉटमेंट मिल जाएगा। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार का ये जिला रहा सबसे गरीब। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार के सीमांचल जिलों में दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत अधिक गरीबी है और इसमें भी अररिया जिले में सबसे अधिक गरीबी मौजूद है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी के निर्धारित पैमाने पर 12.07% आबादी अररिया जिले में गरीब है, लेकिन वही सबसे कम गरीबी सिवान जिले में है। यहाँ की केवल 17.14% आबादी ही गरीब है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले ऐसे हैं जहाँ सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है, जहाँ क्रमशः 27.74% और 26.23% गरीबी की गिरावट दर रही। यदि बहुआयामी गरीबी में सुधार करना है तो इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हर वर्ग के लोगों को सही पोषण, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध जल, बिजली, बैंकिंग सर्विस और खाना पकाने के लिए ईंधन मिलना जरूरी है। यदि हर वर्ग के लोगों को ये मामूली जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाएंगे तभी लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। राजधानी पटना में इन 3 जगहों पर बनेंगे 5-स्टार होटल। प्रदेश में पर्यटन विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार नए सिरे से काम कर रही है। पर्यटक बिहार भ्रमण पर आए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए राजधानी पटना में 5-स्टार होटल बनवाने की खबर सामने आई है। ये 5-स्टार होटल पटना में 3 जगहों पर बनाए जाएंगे। इसे लेकर पर्यटन विभाग पहल भी शुरू कर चुका है। देश के कई बड़े होटल समूह बिहार में 5-स्टार होटल को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खबर है कि पर्यटन विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ होटल ताज, रेडिसन, मेफायर, चाणक्य, इंडर ग्लोब और अंबुजा जैसे होटल समूहों ने बैठक की है। बैठक के दौरान बिहार में 5-स्टार होटल और उससे जुड़े अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के दौरान लीज अवधि बढ़ाने समेत कई सुझाव होटल समूहों द्वारा दिए गए हैं। इन समूहों को पर्यटन विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे उनकी बातों को प्रदेश सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। होटल बनाने के ये प्रस्ताव पटना में गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस पराब की जमीन पर है। दूसरा प्रस्ताव आयकर गोलंबर के पास पुराने पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर है, तो वही तीसरा प्रस्ताव आर ब्लॉक के पास सुल्तान पैलेस की जगह पर है। राज्य कैबिनेट द्वारा भी इस संबंध में सहमति दी जा चुकी है। बिहार के इन 15 विश्वविद्यालयों को UGC ने डिफॉल्टर किया घोषित। UGC द्वारा बिहार के 15 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। डिफॉल्टर घोषित करने की सबसे बड़ी वजह बीते 9 महीने से विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होना है, जिसे लेकर UGC ने इन विश्वविद्यालयों को दिसंबर महीने में ही हिदायत दी थी। बावजूद उसके विश्वविद्यालय मनमाने तरीके से काम कर रहे थे। डिफॉल्टर घोषित करने के साथ साथ अब इन्हें केंद्रीय अनुदान और राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। बता दें कि भेदभाव और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति होनी थी। मिली जानकारी के अनुसार डिफॉल्टर लिस्ट से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और मगध विश्वविद्यालय बाहर हैं। जो 15 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर लिस्ट में आए हैं उनमें पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, BRB मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा,
LNM विश्वविद्यालय दरभंगा, TMBU विश्वविद्यालय भागलपुर, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल है। शिक्षकों को कारण परेशान किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने BSEB पर लगाया जुर्माना। इंटरमीडिएट 2019 के वार्षिक परीक्षा की अव्यवहित और बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त परीक्षक द्वारा जानबूझकर मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है। अमित कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दर्ज प्राथमिकी को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस दौरान बिना कानून के दुरुपयोग कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने और शिक्षकों को कारण परेशान किए जाने पर कोर्ट ने दंड लगाया है। पीएम मोदी ने कटिहार आकाशवाणी FM ट्रांसमिशन केंद्र का किया शिलान्यास। कटिहार आकाशवाणी FM ट्रांसमिशन केंद्र का पीएम मोदी द्वारा बीते ही दिनों शिलान्यास किया गया है। यह शिलान्यास पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से शाम के समय में किया है। इस दौरान सांसद, पुलिस अधीक्षक और मेयर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से यह शिलान्यास चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से किया गया। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। मौके पर ही आकाशवाणी केंद्र के सहायक अभियंता सुबोध कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि कटिहार में पूर्व में मात्र 100 वाट का ही ट्रांसमिशन था, जो 5 किलो वाट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसा करने से 50 से 60 किलोमीटर दूर बैठे लोग भी अब इसे सुन पाएंगे। वहीं इस दौरान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि आकाशवाणी केंद्र कटिहार के प्रसारण क्षेत्र बढ़ने से निश्चित तौर पर आसपास के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा, जिससे श्रोताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। सुपर 100 वीर गाथा में विजेता बनी बिहार की बेटी को दिल्ली परेड में अतिथि के तौर पर आया बुलावा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के लिए बिहार के मुंगेर की रहने वाली बेटी प्रांजलि राज का चयन हुआ है। अब 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर अतिथि के रूप में प्रांजलि को 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बुलाया गया है। इन्हें नेशनल विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रांजलि रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के हाथों भी सम्मानित की जाएंगी। प्रांजलि के इस कारनामे से पूरा बिहार गौरवान्वित हो रहा है। प्रांजलि मुंगेर के हसनगंज की रहने वाली है। इनके पिता प्रशांत कुमार एक शिक्षक है। प्रांजलि की उम्र महज 13 वर्ष है और ये कक्षा 8वीं की छात्रा है। पूरे भारत में प्रांजलि सुपर 100 वीर गाथा विजेता के रूप में चुनी गई है। दिल्ली परेड में शामिल होने वाली प्रांजलि सम्मानित होने के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगी। नीतीश कुमार ने जदयू में बनाए नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम। अभी हाल में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। अब इसी बीच नीतीश कुमार द्वारा उनकी कमेटी में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नियुक्ति की खबर सामने आई है। इस नियुक्ति में खास बात यह रही कि ललन सिंह की पुरानी टीम और उनके साय की तरह रहने वालों को चलता कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने अपनी यह कमेटी केवल 22 लोगों को लेकर ही तैयार की है। इस कमेटी में जिन लोगों को रखा गया है उसमें एक सलाहकार, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता शामिल है। इस नए पदाधिकारियों की सूची जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान द्वारा जारी की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के साथ साथ केसी त्यागी को नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार के रूप में चुना गया है। वहीं एक बार फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में सांसद आलोक कुमार सुमन की नियुक्ति की गई है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पूर्व विधायक राजीव रंजन को चुना गया है। लालू परिवार के खिलाफ राव रेवेन्यू कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई। नई दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में अपना फैसला आज नहीं सुनाया है। आपको बता दें कि लालू परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ ED द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने को लेकर फैसला सुनाया जाना था। लालू परिवार में जिन लोगों को लेकर फैसला सुनाए जाने वाले थे उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती शामिल हैं। हालांकि आज के इस फैसले को अदालत द्वारा टाल दिया गया है। अब यह सुनवाई 27 जनवरी को ही की जाएगी। ED द्वारा नौकरी के बदले जमीन मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है। ED द्वारा जो पहली चार्जशीट जारी की गई है उसमें राबड़ी देवी, लालू यादव, मिसा भारती और हेमा यादव का नाम शामिल है। बिहार में हर लोकसभा सीट से BJP राम मंदिर दर्शन के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में बनी राम मंदिर पूरी तरह से राजनीतिक समारोह का रूप लेती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को भुनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में BJP भी पीछे नहीं है। बिहार में भी मतदाताओं को साधने की कोशिश में BJP पूरी तैयारी में है। कभी राम मंदिर चुनाव का मुद्दा हुआ करता था और अब राम मंदिर के दर्शन कराने के आस मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही जो रामलला के दर्शन मतदाताओं को करवाएंगी।
मिली जानकारी के मुताबिक 15 आस्था स्पेशल ट्रेन पार्टी द्वारा बुक की जा चुकी है और रेल मंत्रालय को 2500 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। यानी कि बिहार के लगभग हर लोकसभा सीट से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। रामलला के दर्शन के लिए बिहार से पहली ट्रेन भागलपुर से 29 जनवरी को रवाना होने वाली है। एक ट्रेन से करीब 1338 यात्री अयोध्या के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान हर ट्रेन में एक ट्रेन लीडर होगा जो अनुशासन का ध्यान रखेगा। ट्रेन में 20 बोगी होंगी और हर बोगी में एक लीडर को रखा जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस दिन बिहार में करेगी प्रवेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही। अब इसी को देखते हुए एक बार फिर से यह यात्रा शुरू हुई है। बिहार में भी इस यात्रा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इन तैयारियों के तहत 25 अलग अलग समितियां बिहार में बनाई गई और 220 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है। जिसमें सबसे बड़ी समिति मोबिलाइजेशन कमेटी है, जिसमें कुल 35 सदस्य शामिल है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी स्वीकृति इस समिति को दे दी है। आपको बता दें कि कमेटी में विधायक से लेकर विधान पार्षद के साथ साथ पूर्व सांसद भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज में यह यात्रा 27 जनवरी को प्रवेश करेगी। यह यात्रा किशनगंज होते हुए पूरे 7 जिलों में प्रवेश करेगी और 425 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी, जिसमें किशनगंज के अलावे अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में यह यात्रा सासाराम, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में प्रवेश करेगी। किसान आक्रोश जनसभा का आयोजन करने इस दिन बिहार पहुंचेंगे राकेश टिकैत। एक बार फिर से किसानों के समर्थन में उतरने वाले किसान नेता राकेश टिकैत जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। टिकैत का यह संबोधन बिहार के खगड़िया चौथम के हटिया मैदान में 21 जनवरी को होने वाला है। बिहार किसान मंच के बैनर तले किसान जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर बिहार किसान मंच लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं इस आंदोलन को लेकर बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुड्डू द्वारा एक बैठक के दौरान बताया गया है कि किसानों के हित के लिए लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी है। खगड़िया के अधिकांश राजनीतिज्ञ दलों और नेताओं को किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जिले के 1847 हलका में से 76 हलका के 2 जमाबंदी रजिस्टर गायब हैं। उन्होंने बताया कि जब सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है तो भूस्वामी के पास कैसे रहेगा। बेवजह भूस्वामी और किसानों को परेशान किया जा रहा है। NH 95 में किसानों की जमीन जा रही है, किसानों को समुचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार किसान मंच संघर्षरत सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को लेकर कह दिए बात। रोहित शर्मा की कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी भारतीय टीम ने 3-0 से मैच अपने नाम किया है। तीसरे T20 में भी भारत ने जीत अपने नाम किया। ऐसे में अब भारत को इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाले कैप्टन रोहित शर्मा बन चुके हैं। इस मामले में तो धोनी की बराबरी रोहित शर्मा द्वारा की जा चुकी है। अब इसी बीच सुनील गावस्कर ने भी रोहित की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने ये कहा है कि फॉर्मेट अपनी कप्तानी के स्किल्स को टेस्ट करता है। अगर रोहित की जीत प्रतिशत धोनी और विराट कोहली से ज्यादा है तो यह बताता है कि वह कितने दमदार कप्तान है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित द्वारा खेली गई पारी में सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि एक T20 मैच में आप शुरुआत से ही अटैक करने के लिए देखते हैं और यही टेम्पलेट है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.30 रुपए और डीजल 94.09 रुपए मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए मिल रहा है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.14 रुपए और डीजल 94.86 रुपए है। गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए है। बात करें दरभंगा की तो यहां पेट्रोल 107.82 रुपए और डीजल 94.56 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल की कीमत 109.60 रुपए और डीजल की कीमत 96.23 रुपए है। मधुबनी में जहां पेट्रोल 108.68 रुपए मिल रहा तो वहीं डीजल 95.36 रुपए मिल रहा है। भोजपुर में पेट्रोल 108.28 रुपए है तो वहीं डीजल 95 रुपए है। समस्तीपुर में पेट्रोल की कीमत 107.45 रुपए है और डीजल की कीमत 94.21 रुपए है। सिवान में पेट्रोल की कीमत 108.37 रुपए है और डीजल की कीमत 95.09 रुपए है। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल की कीमत 95.50 रुपए है। वैशाली में पेट्रोल की कीमत 107.53 रुपए और डीजल की कीमत 94.29 रुपए है। औरंगाबाद में पेट्रोल की कीमत 108.75 रुपए और डीजल की कीमत 95.45 रुपए है। आखिरी में बात करें बांका की तो यहां पेट्रोल की कीमत 108.14 रुपए तो वहीं डीजल की कीमत 94.85 रुपए है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, राम नुन्नू, गोलू कुमार, अनवर करीम खान, धर्मवीर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नीलम कुमारी, प्रिंस कुमार यादव, वेद प्रकाश सिंह, MD साकिर हुसैन, मदन कुमार मोहित, नौसाद रजा, रंजीत मिश्रा, रवि शंकर, RK राणा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए बिहार सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।